काम करना कोई आसान बात नहीं है, मतलब कि कोई भी काम करना उसके लिए हाथ की जरूरत पड़ती है, हाथों की सुंदरता खोनी पड़ती है, क्या किया जाए। यही हाथ है जो बहुत काम करते हैं, मेरे हाथों की सुंदरता खो गई है, क्या करूं। मैनीक्योर कर लूँगी उससे भी वो लुक नहीं आएगा जो चला गया है, मैनीक्योर करने से कितना लुक आएगा। पर टाइम मिलेगा तो हाथों का ध्यान जरूर दूंगी, सर्दियों की वजह से मेरे हाथ बहुत खराब हो गए। अब रह रहा है ये जो एक्स्ट्रा टाइल्स वगैरह है ना, इसमें जो छींटे पड़े हैं पेंट के, और ये दीवार वाला जो डिस्टेम्पर पेंट का वो, तो ये है तारपिन और ये है थिनर। ये दोनों को यूज़ करके आज पूरे टाइल्स को मैं साफ करने वाली हूँ, फिर घर धोऊंगी, फिर कपड़े तो जो बिखरे पड़े हैं वो सजाना है वो अलग। और अभी से मुझे थकान लग रहा, मुझे लग रहा जाकर सो जाऊँ, कुछ भी काम ना करूँ। ऐसा हो सकता है घर बिखरा हो, गंदा हो और हम काम ना करें। सोचिए थोड़ा बात कर लूँ, अभी बेटी का ऑनलाइन क्लास हो रहा था, उसकी क्लास कंप्लीट हो गई, वो बोले फ़ोन फ्री है तो मुझे दे दो भाई। तो है क्या किया जाए, मकान जो बोलते हैं ना, घर घर बनाने से नहीं होता, हम औरतें होती है जो मकान को घर बनाती हैं, यही है ना, शायद ऐसी है ना। तो उसमें हम अपना जी जान खून पसीना सब लगा देते हैं, अपने घर को नीट एंड क्लीन साफ सफाई मेंटेन करके रखते हैं। अब कोई काम वाली बाई है नहीं हमारे एरिया में, जल्दी काम वाली बाई मिलती नहीं है, वो बड़े सोसाइटियों में चली जाती है, इधर के एरिया में उनको इतना पैसा उतना प्रॉफिट नहीं मिलता, तो हाई फाई एरिया में जाती है, उनके अच्छा खासा पैसे मिल जाते हैं। तो आप चाहो भी ना कि कोई आके दो तीन घंटा के लिए झाड़ू पोछा को साफ सफाई कर दे, नहीं, बहुत कोशिश की थी नहीं मिलती, मैं खुद ही काम वाली बाई बन जाती हूँ मैं अपने घर की काम वाली बाई मैं खुद ही हूँ। पति के पैसे तो बच जाते हैं ना उन पैसों से मैं शॉपिंग कर लूँगी वैसे भी अभी बजट बड़ा ख़राब हो रखा है, आधे काम हुए हैं आधे काम पड़े हुए हैं। अगर घर को चमकाना चाहो ना तो अच्छा खासा पैसा चाहिए, हम नॉर्मल फैमिली इतना एक साथ सारा कुछ नहीं हो सकता। जब से हम इस घर में आए हैं थोड़ा 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 करके अपने घर को मतलब समझ जाओ इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ कुछ जो कमियां हैं, कभी टाइल्स लगे, कभी पेंट हुआ, अभी ऊपर के फ्लोर में ना ही टाइल्स लगा है कहीं पे, हाँ सिर्फ किचन में लगा है, नीचे का फ्लोर ऐसी है, बाथरूम का भी सब पड़ा हुआ है, कोई टाइल्स नहीं लगा है, नीचे का एरिया पूरा कंप्लीट है। अब जब हो गए जब होगा तब धीरे धीरे करके की जाएगी, और क्या किया जाए। तो मैं दिखाती हूँ अपना काम, आप लोग भी बहुत बिजी होंगे मुझे पता है, दीपावली है तो हम लेडीज़ एंड जेंट्स तो अपने काम पे चले जाते हैं, छुट्टी होती है तो बहुत सारे भाई लोग हैं जो बहुत सारी दीदियों की हेल्प कर देते हैं, मेरे हस्बैंड की कोई छुट्टी नहीं, उनका अपना काम है, उनको टाइम पे जाना है आना है, कोई छुट्टी नहीं उनकी, कोई संडे सैटरडे कुछ नहीं, जो कुछ करना है मुझे करना है। भारी भारी कुछ काम होता है तो वेट करती हूँ, अगर वो आएंगे तो उठा देंगे रख देंगे, वेट करती हूँ सुबह या शाम को, जो कील वील ड्रिल मशीन से ठोकने ओकने का काम वो कर देंगे हाँ बाकी जितना काम है ये सब तो मैं निपटा लूँगी, मैं हूँ ना काम वाली भाई चलो स्टार्ट करती हूँ अपना काम। तो मैं साफ करने लग गई हूँ, और मैं ना सूट पहनी थी तो सुबह सुबह ना आजकल ठंड लग रही है, और मैं अभी मोटे मोटे कपड़े मतलब हल्के वाले जो है वो नहीं निकाली हूँ, और सामने मुझे ये शर्ट दिखा मेरे हस्बैंड का तो वही पहन ली, मुझे ठंड लग रही थी तो पटियाला के ऊपर ये शर्ट डाल ली हूँ और अपने काम में लगी हूँ। तो इस टाइप से
अरे हाथों में ना बहुत दर्द हो जाता है ऐसे, मेरे हाथ ना सुबह सोकर उठ रही हूँ ना हाथ पूरा एकदम ब्लड सर्कुलेशन लग रहा जाम हो गया, हो ही नहीं रहा, पूरे हाथ में झिनझिनी सा भर रहा है। सुबह उठने के बाद हाथों का बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ फिर उठ रही हूँ, तो क्या करूँ। इतना जो परफेक्ट काम हम कर सकते हैं ऐसे कोई कम वाली बाई कभी ना करे, उसके पीछे लगो चिक चिक करो पैसे भी दो फिर भी इतना परफेक्ट काम वो नहीं करेंगे जितना हम अपने घर के लिए खुद सोच कर हम कर सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों को जैसे बोली मैं खुद ही अपने घर की महारानी भी हूँ, काम वाली बाई भी हूँ, अपने घर की सब कोई होती है मैं नहीं। तो सफाई करके लगी हूँ, मतलब घर में अगर पेंट हो जाए ये एक्स्ट्रा काम हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सबको पता है। नॉर्मली तो ऐसे झाड़ना पोछना साफ़ सफाई सब करते ही हैं, दीपावली में तो डीप क्लीनिंग जो बोलते हैं पूरा अंदर अंदर तक जो काम रह जाता है वो भी हम ढूंढ डांट के करते हैं। तो ये तो मेरे बहुत एक्स्ट्रा काम बढ़ गए हैं, टाइल्स लगा फिर पेंट हुआ उस पर छींटे आए वो देखो ये सब पेंट है ना अभी ये भी पोछूँगी। तो अभी बहुत हद तक सफाई कर चुकी, नीचे आज धो के साफ़ कर लूँगी और अभी दो दिन डेली पोछा लग जाएगा ना तो वो क्लीन हो जाएगा नीचे का फ्लोर भी हमारा। दीपावली वाले दिन तक मतलब इतना काम होता है ना, दीपावली वाले दिन तक काम लगा ही रहता है। तो ये करने के बाद फिर ये जो एक्स्ट्रा है ना ये मेडिसिंस है तो मैं बोली आज इसे भी फेंक देती हूँ, एक्सपायरी तो कुछ नहीं हुए हैं, अभी बच्चे बीमार पड़ रहे थे ना सब 1 महीना 15 दिन के खुले हुए ही मेडिसिन है और कुछ पहले के हैं तो वो मैं नाम के वजह से ना इसकी रखी होती हूँ पर्ची पर, अब जितना भी मेडिसिन रख लो ना मैं कभी नहीं देती हूँ। जब ज़्यादा हो जाता है ये हल्का फीवर का और सिरप सर्दी खांसी की एलर्जी की तो दे देती हूँ नया, तो जो नए पैक वाले हैं ना वो मैं संभाल के रख दे रही हूँ और जो आधे खुले हुए हैं वो सारा मैं फेंक दूँगी। तो ये है गैस की टैबलेट, ये रखती हूँ, बैंडेड वगैरह रखती हूँ और ये ORS है, इलेक्ट्रोल पाउडर है, पुदीन हरा टैबलेट है, तो ये सब रखती हूँ। ये सब तो रखना भी चाहिए घर में, छोटे बच्चे हैं कभी किसी को पेट दर्द कभी कुछ, और लिक्विड सिरप भी है बच्चे के लिए तो इसमें कुछ मेडिसिन है 5 साल के बच्चे के लिए, फीवर की है पेट दर्द की है, मतलब आधी रात को रात बिरात कभी कुछ हो जाता है तो यूज़ करती हूँ। सब सील वाले पैक हैं फीवर के हैं और वो तो ये ज़रूरत पड़ता है। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिंस भी है इसमें, जो ऑयल है ये दिख रहा है ना सामने छोटा वाला, तो ये रख ली हूँ बहुत ज़रूरी की, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो सारा मैं अभी फेंक दूँगी क्योंकि नाम के लिए सोचती हूँ रख लूँ पर कभी बच्चों को कुछ और प्रॉब्लम कभी कुछ और हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता। घर पे ज़्यादा से ज़्यादा हम फीवर की दे सकते हैं, खांसी की सिरप दे सकते हैं पर अभी क्या कब हो जाए ना तो कुछ पता नहीं, जितनी बार डॉक्टर के पास जाओ हर बार अलग ही मेडिसिन मिलता है। तो ये है इस किचन के एक ड्रॉ के साइड में मैं यहाँ पर सारा मेडिसिन रखती हूँ कि किसी को भी पता है मेडिसिन कॉर्नर कौन सा है, किसी को कुछ चाहिए तो यहीं से मेडिसिन सब ले लेते हैं, मतलब मेडिसिन ऑयल दर्द वाली तेल और जेल और बैंडेड पट्टी जो कुछ है यहाँ है तो सबको पता है कि मेडिसिन हमारे घर में यहाँ है, किसी को इतना ढूंढना ना पड़े। तो ये मेरा मेडिसिन कॉर्नर है तो चढ़ उतर के जहाँ जितना करना है वो कर रही हूँ और वो हो चुका। शाम को ये मैं पकौड़े तल रही हूँ जो कि आधा मैं दिखा रही हूँ आधा नहीं दिखाऊंगी वरना आपके मुँह में पानी आ जाएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छा लगे तो लाइक करना, बाय बाय।